हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज सिखाने जा रही हूँ एक और न्यू डिजाइन का डोरमेट। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, दो कलर लिए हैं, 7 नंबर की सिलाई यूज कर रही हूँ और सबसे पहले मैं फंदे डालूंगी। यहाँ पे गांठ लगी हुई है तो इसलिए हमें यहाँ पे फ्रेश धागा चाहिए। यहाँ पे हमें इस वाले कलर से 32 फंदे डाल लेने हैं। तो मैं डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने फंदे डाल लिए। दो फंदे मुझे येलो कलर से डालने हैं, इसकी आउटलाइन बनेगी। और 32 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं तो टोटल 34 फंदे हो गए। अब देखें, बुनाई को स्टार्ट करेंगे। ये पहली वो रो है तो इसलिए दोनों फंदे हम बिन लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक दो दो इस वाली सिलाई पे मैंने कर लिए हैं। इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। आप इसको फटी पुरानी साड़ी से भी बना सकती हैं और मैक्रम वगैरह यूज कर सकती हैं। दो फंदे हमें नीचे की साइड पे छोड़ देना है बगैर बुने हुए और सिलाई को यहीं से हमने पलट लिया है। अब यहाँ पे हमने दो फंदे उतार लिए थे बगैर बुने हुए, ये देखो। अब यहीं से हमें सिलाई को पलट लेना है। दो फंदे और हमने इधर से कर लिए तो यहाँ पे 4 फंदे बगैर बुने हुए हो गए। इसी तरह से दो फंदे हम इधर से छोड़ेंगे और दो ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे हमें 8 सिलाई निकालनी है तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर आगे की डिजाइन आपको बताती हूँ। ये देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखें 3 बार मैंने फंदे छोड़ लिए हैं, 1 2 3। अब देखें, अब ये चौथी बार फिर से मैंने ये बैंगनी वाले फंदे कर लिए हैं सिलाई पे। अब येलो कलर से बनाना है तो यहाँ पे 4 बार हमने फंदे छोड़ दिए हैं। ये देखें, यहाँ भी नीचे भी 4 बार हो गए हैं, 1 2 3 4। अब सिलाई को पलट लिया है, अब येलो वाले हमें फंदे छोड़ने हैं। तो ये इसकी मैं 6 सिलाई निकालूंगी, 3 सिलाई इधर से और 3 सिलाई उधर से। फंदे इसी तरीके से छोड़ूंगी दो दो करते हुए।
और दोनों तरफ से हमें फिंदों को छोड़ते हुए जाना है। ये देखें, इधर से हम इस तरह से दो उतार लेते हैं, सिलाई पकड़ लेते हैं, तो दो फिंदे बगैर बुने हुए हमने ले लिए सिलाई पे, बाकी फिंदे इसी तरह से और नीचे की साइड पे दो दो छोड़ते जाएंगे। तो छह सिलाई मैं इसी तरह से बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। यहाँ पे देखो एक दो तीन, और यहाँ पे देखें एक दो, दो बार फिंदे छोड़ चुकी हूँ और तीसरी बार फिंदे छोड़ूंगी इस तरह से। देखें दो हमने कर लिए इस वाली सिलाई पे, इसको हम इधरी साइड ले आएंगे अंदर की तरफ, ये देखें, और इसको इस तरह से। अब यहाँ पे चार फिंदे बचे हुए हैं, ये देखें। अब चार फिंदे हमें दो सिलाई निकालनी है, ये देखें, दो इधर से और दो उधर से। यहाँ पे हमें फिंदे नहीं छोड़ने हैं, ये देखो। अब देखो इस तरह से हमने किया, अब यहाँ पे देखें इस तरह से हमें फिंदे को एक उठा लेना है इस तरह से। अब इधर के दो फिंदे ले लेंगे इस वाली सिलाई से बुन लेंगे, ये देखें, जो उठाया हुआ फिंदा है वो हम येलो के साथ में बिनेंगे। और ये चार फिंदे इसी तरह से, अब इधर से भी एक फिंदे को उठा लेना है, येलो के साथ में इस तरह से बुन देना है। सिलाई को पलट लिया है, तो जिस तरीके से मैंने फिंदे छोड़े हैं उसी तरीके से आपको बुन लेना है। तो छह सिलाई इधर निकाली है, तो छह सिलाई हम ऊपर की साइड भी निकालेंगे। अब देखें फिर से हमें इसी तरह से कर लेना है, इसको बिनेंगे और यहाँ से ये देखें इधर से एक फिंदे को उठा के हुए इस वाले फिंदे के साथ में बुन लेना है। तो इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं ऊपर तक, इसके बाद ये वाला कलर लग जाएगा तो ये वाले फिंदे बुने जाएंगे। तो बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। बुनेंगे इसी तरीके से, ये देखें, तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखें ऊपर की तरफ, ये देखें। अब आगे हमें किस तरह से बनाना है वो देखें। अब देखें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस, और एक हमने इसको उतार लिया था बत्तीस। तो बत्तीस फिंदे मैंने बिन लिए और बॉर्डर वाले जोड़ के, और नहीं तो यहाँ पे तीस फिंदे, दो फिंदे हमें इसी तरह से छोड़ देने हैं। अब ऊपर तक इसी तरह से बुन लेना है, तो बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखें फिर से हम नीचे तक जाएंगे, दो फिंदे हम छोड़ देंगे बगैर बुने हुए और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो चार सिलाई निकाल ली है,
दो सिलाई इधर से, दो इधर से। अब देखें आगे डिजाइन किस तरह से बनेगी। ये देखें दो फिंदे मैंने बना लिए बॉर्डर के लिए। अब यहाँ पे देखें एक दो तीन, तीन के बाद सिलाई को पलट लेना है और ये तीन फिंदे इसी तरह से मैं बुन लूँगी और बॉर्डर वाले इसी तरह से। अब फिर से देखें ये तीन फिंदे आगे की साइड से हम तीन फिंदे फिर से बुनेंगे, ये देखें, और सिलाई को पलट लिया है। इसी तरह से यहाँ पे हम 12 फिंदे ग्रीन इसके बैंगनी के कर लेंगे, बॉर्डर इसी तरह से चलता जाएगा। तो 12 फिंदे, 6 फिंदे कर लिए हैं, 6 और कर लेती हूँ तीन तीन करते हुए, फिर मैं आपको आगे की डिज़ाइन दिखा। ये देखो यहाँ पे 12 फिंदे कर लिए, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12। अब देखें डिजाइन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये देखें दो फिंदे ये, अब तीन फिंदे हम इसके येलो कलर के बुन लेंगे, बाकी फिंदे हमने इसी तरह से बुनना है। अब देखें तीन फिंदे हम फिर से हम आगे जाएंगे नीचे की साइड से येलो कलर वाले, तीन फिंदे हम ये बैंगनी करते जा रहे हैं और ऊपर की साइड से डिजाइन शुरू होती जा रही है। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगी जब बनके तैयार हो पाएगी। अब फिर से देखें उल्टी तरफ से, अभी तीन थे अब 6 फिंदे हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें 12 फिंदे नहीं करने हैं, सिर्फ 6-6 फिंदे में ऊपर की साइड हम डिजाइन बनाएंगे और नीचे की साइड इसी तरह से चलती जाएगी। अब यहाँ पे हम बैंगनी कलर लगा लेंगे ये दो सिलाई निकालने के बाद, तो मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ फिर आपको। ये देखें यहाँ पे डिजाइन हम बैंगनी कलर से बनाएंगे, तीन फिंदे बैंगनी हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से तीन और बना लिए आगे की तरफ से, बाकी फिंदे इसी तरह से चलेंगे। तो मैं नीचे तक आ जाती हूँ, यहाँ पे एक फिंदा बचेगा, ये 4 फिंदे के बाद यहाँ पे एक फिंदा बचेगा, तो हम इसी तरह से बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ बीच तक, फिर मैं आपको आगे की डिजाइन बताती हूँ। ये देखो ये डिजाइन हाफ कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह से कुछ डिजाइन बनेगी। अब देखें हमें ऊपर की साइड किस तरह से बनाना है वो देखें। ये देखें आप देखें यहाँ पे तीन फिंदे हैं, ये तीन फिंदे बैंगनी हो जाएंगे, ये अब डिजाइन ऊपर की साइड आएगी। अब तीन फिंदे बैंगनी वाले येलो हो जाएंगे, और येलो वाले तीन फिंदे हैं वो बैंगनी हो जाएंगे। और तीन फिंदे हम नीचे की साइड पे बगैर बुने हुए छोड़ देंगे, ये देखें तीन फिंदे छोड़ दिए, सिलाई को हमने पलट लिया है। अब ऊपर तक इसी तरह से बना लेना है। ये देखो ऊपर तक सारे फिंदे मैंने तीन तीन करते हुए छोड़ लिए हैं। अब देखें हमें क्या करना है, अब येलो कलर से हमें 4 सिलाई निकाल लेनी है सादा सादा, और जो छोटे हुए फिंदे हैं उन्हें हम दो दो करते हुए बिन लेंगे। तो 4 सिलाई कंप्लीट इसी तरह से कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखो ये डिजाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से हमें इस वाली पत्ती को बना लेना है, ये वाली बनाएंगे फिर ये वाली बनाएंगे, इसी तरह से बनता जाएगा। अब फिर से देख लें एक बार, दो फिंदे आउटलाइन वाले, बाकी फिंदे ये इस तरह से बैंगनी हो जाएंगे सारे फिंदे। अब देखें इस तरह से, ये देखें मैं सारे फिंदे कर लिए हैं। अब यहाँ से एक फिंदे को उठाना है और इस वाले फिंदे के साथ में इस तरीके से बुन लेना है। ये देखें सारे फिंदे बुन लिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक बुनेंगे, फिर दो दो फिंदे हम छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह से तरीका सेम है बनाने का, जिस तरह से हमने इसको बनाया है इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, इसी तरह से हम बनाते जाएंगे तो ये बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने बना लिया है, अब मैं इनको सिल के बताती हूँ। तो सिलेंगे किस तरह से, तो ये देखें इस तरह से आपको सिल लेना है। ये तो सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने सिल लिया है, ये कंप्लीट हो चुका है।